नमस्कार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस एनालिसिस इंग्लिश क्लासेस पर। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम फिर लेकर आए हैं एडजेक्टिव के हॉट टिप्स को। पिछले वीडियो लेक्चर यदि आप नहीं देखे तो सबसे पहले पिछले वीडियो लेक्चर को देख ले, क्योंकि हम ऐसे जहरीले कंसेप्ट को लेकर आए हैं कि आपके आस पास में ये जहर का काम करेगा। ये इतना खतरनाक कंसेप्ट है, तो आइए आज भी हम लोग देखते हैं बहुत लाजवाब जबरदस्त कंसेप्ट। आप लोग कॉपी बुक निकाल कर हो जाइए तैयार, और क्योंकि है नीतीश। चलिए भाई साहब देखते हैं इस कंसेप्ट को। अब एक है इल्डर और दूसरा है ओल्डर। अब कंफ्यूजन ये होगा कि इल्डर का यूज हम कहां करें और ओल्डर का यूज हम कहां करें। एक तो इल्डर और दूसरा ओल्डर। सबसे हमारा इसको मान लेते हैं केस वन, और इसे मैं मानता हूं केस टू। एट फर्स्ट वी विल सी केस नंबर वन। इन केस नंबर वन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को इल्डर के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? इल्डर के बारे में, यानी ई एल डी आर, ई एल डी आर, इल्डर। हमने इसमें लिखा है एक ही माता पिता के संतानों के बीच में बड़े वाले। इसमें थोड़ा सा और जोर दीजिएगा, के लिए इल्डर का यूज करते हैं। अब एक ही माता पिता के संतानों के बीच में बड़े वाले, अब मान के चलिए मैं और मेरा भाई, मैं भी उसी माता पिता का और मेरा भाई भी उसी माता पिता का। अब इसमें से जो होगा बड़ा, उसके लिए आप यूज करेंगे इल्डर। किसका यूज करेंगे? इल्डर। तो देखिए हमने एग्जांपल भी दिया है, नीतीश इज इल्डर टू अभिषेक। नीतीश इज इल्डर टू अभिषेक, एक मेरा भाई अभिषेक। अब इस दोनों में जो बड़ा है तो इसके लिए किसका यूज किए? नीतीश के लिए, इल्डर के लिए। कोई दिक्कत हुआ नहीं। अब सीखा जाए ओल्डर। अब क्या सीखिए? ओल्डर। देखिए ओल्डर, ओ एल डी आर, ओ एल डी आर, ओल्डर, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे एक ही माता पिता के संतानों को छोड़कर, एक ही माता पिता के संतानों को छोड़कर हर जगह ओल्डर का प्रयोग करते हैं। एक ही माता पिता के संतानों को छोड़कर हर जगह आप किसका यूज करेंगे? ओल्डर का। अब देखा जाए इसका एग्जांपल, राम वाज ओल्डर देन सीता। राम जो है सीता से बड़ा है। अब क्या राम का पिता और माता, सीता का माता पिता क्या एक था? नहीं। जब ऐसा सेंस आएगा तो आप ओल्डर का प्रयोग करेंगे। हम फिर से रिपीट कर देना चाहेंगे ओल्डर और इल्डर में, कि इल्डर एक ही माता पिता के संतानों में से बड़ा और ओल्डर एक ही माता पिता को संतानों को छोड़कर। यदि ये कंसेप्ट समझ में आ गया, इसको आप जल्दी से लिखेंगे और हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। नियरेस्ट और नेक्स्ट टू को हम लोग आप लिखेंगे, जल्दी से इसको कीजिए। चलिए भाई साहब अब हम लोग देखने वाले हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट टू। नियरेस्ट और नेक्स्ट टू, आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं नियरेस्ट को। मैं आपको बता दूं कि आप लोग इतना मिस्टेक करते हैं इन सारी चीजों में, नियरेस्ट और नेक्स्ट टू में, और जानते हैं ये एसएससी हो या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, या फिर बोर्ड का एग्जाम हो, इस सब में पूछे जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप कहीं भी जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कब क्या बोले। अब देखिए नियरेस्ट और नेक्स्ट टू में हम लोग डिफरेंस सीखते हैं। नियरेस्ट और नेक्स्ट टू में क्या होता है? नियरेस्ट हम बोलते हैं दो से अधिक के बीच में, एक दो तीन, दो से अधिक के बीच में, सबसे समीप वाले, दो से अधिक के बीच में समीप वाले के लिए। समीप मतलब नजदीक, दो से अधिक है ये सब, और इससे जो नजदीक होगा इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? आप नियरेस्ट का। अब मान के चलिए ये तीन है, आई तीनों में सबसे नजदीक कौन है? ये इनका डब्बा है, तो इसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? नियरेस्ट का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा भाई साहब? अब देखिए हम एक एग्जांपल सेट किए हैं, व्हिच इज द नियरेस्ट पीएस, यानी पुलिस स्टेशन। व्हिच इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फ्रॉम माय हाउस, व्हिच इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन ऑफ माय हाउस, या फ्रॉम माय हाउस, व्हिच इज द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन फ्रॉम माय हाउस। यहां पे समझ में आ गया इसको। अब देखिए अगला दिया है नेक्स्ट टू। क्या दिया है?
नेक्स्ट, जब कोई किसी के एकदम सटा हुआ हो, जब कोई किसी के एकदम, अब मान के चलिए ये एक ये और एक ये हमसे एकदम सटा हुआ है, तो जब कोई किसी के एकदम सटा हुआ हो तो आप किसका प्रयोग करेंगे, नेक्स्ट टू, किसका, नेक्स्ट टू। आप जैसे देखिए मेरे घर के एकदम 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 सटा हुआ है मार्केट, एकदम एकदम मार्केट सटा हुआ है, तो आप किसका प्रयोग करेंगे, नेक्स्ट टू। तो लिख सकते हैं द मार्केट इज नेक्स्ट टू माय कोचिंग, द मार्केट इज नेक्स्ट टू माय कोचिंग। यहां तक हो गया एक कंसेप्ट, और आपको हम समझाते हैं फिर लाजवाब कंसेप्ट, पहले इसको आप लिख लीजिए। चल भाई स्टार्ट होता है, लास्ट कंसेप्ट है, आजा आजा जल्दी आजा। अगला है सम और एनी, लास्ट कंसेप्ट आज का सम और एनी। सम और एनी में आप लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सम का यूज कब करें और एनी का यूज कब करें, तो सम का यूज और एनी का यूज आज हम लोग सीखने वाले हैं जबरदस्त तरीके से। सम का यूज सबसे पहले हम लोग सीखेंगे C1 यानी केस नंबर 1 में सम का यूज। तो हम लोग लिखते हैं इसका प्रयोग केवल पॉजिटिव वाक्यों में किया जाता है, इसका प्रयोग केवल किस में, पॉजिटिव वाक्य, यानी पॉजिटिव वाक्य कहने का मतलब सकारात्मक में, किसमें, सकारात्मक। कहने का क्या मतलब, सम का प्रयोग किसमें, सकारात्मक वाक्यों में, यानी किसमें, पॉजिटिव सेंटेंस में। क्या हम बोल सकते हैं, सम का यूज किसमें आप कर सकते हैं, पॉजिटिव वाक्य में। जैसे हम लिख सकते हैं आई हैव सम फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ दोस्त हैं, इसमें कहीं से बिल्कुल नकारात्मक या प्रश्नात्मक की बात नहीं आ रही है, नहीं, तो ये क्या हो गया, सम। आई हैव सम फ्रेंड्स, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम पेंस, आई हैव सम बैट्स, ये सारा चीज आप कर सकते हैं। अब देखा जाए एनी का हम यूज करते हैं, एनी, इसका प्रयोग ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग निगेटिव, इसका प्रयोग निगेटिव, इसका प्रयोग निगेटिव यानी नकारात्मक तथा प्रश्नात्मक। भाई याद रखना ये, इसका यूज बहुत अच्छे से याद रखना, इसका प्रयोग प्रश्नात्मक तथा नकारात्मक, लेकिन इसका सम का प्रयोग ओनली सकारात्मक, और इसमें नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों में होता है, वाक्यों में किया जाता है। हैव यू एनी फ्रेंड, ये नहीं दिख रहा है, चलो इसको हम यहां कर देते हैं, यहां कर देते हैं, हैव यू एनी फ्रेंड, हैव यू, क्या आपके पास कुछ दोस्त हैं। अब इसका हम आंसर देंगे नो आई हैव नॉट एनी फ्रेंड, आई हैव नॉट एनी फ्रेंड। अब देखिए आई हैव नॉट एनी फ्रेंड, ये नॉट, और आप जानते हैं किसी भी सेंटेंस में नो नॉट, नो नॉट, नेवर, नाइदर, ये सब लग जाए तो क्या हो जाता है, सेंटेंस नकारात्मक हो जाता है। और यहाँ देखिए हैव यू एनी फ्रेंड, हैव यू एनी फ्रेंड, अब यहाँ पे देखिए एनी आया, यहाँ पे भी एनी आया, और अंत में क्या है, क्वेश्चन मार्क। तो आप बोल सकते हैं इसका प्रयोग एक एक ये एक सेंटेंस है और एक ये सेंटेंस है, ठीक है। तो हैव यू एनी फ्रेंड, एनी यहाँ पे आया, अंत में क्वेश्चन मार्क आ गया, तो ये क्या हो गया, ये इसमें हो गया प्रश्नात्मक के सेंस में। अब नकारात्मक का सेंस अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे है, आप इसको देख सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आता हो तो आप अवश्य लाइक करेंगे, और इस वीडियो को हर एक गरीब के घर तक आपको पहुंचाना है, हर एक गरीब के घर तक इस वीडियो को पहुंचाना है, जो अभी इस लॉकडाउन में पढ़ नहीं पा रहे हैं, और लॉकडाउन में तो वसते कोई नहीं पढ़ पा रहे, लेकिन जिनके पास पढ़ने का कोई साधन नहीं है, उस तक नीतीश पहुंचेगा, हर घर तक नीतीश दस्तक देगा, ठीक है। आप इस वीडियो को देखें, और साथ ही साथ मैं एक एंटरटेनमेंट का वीडियो डालता हूं, आप भी उसे अवश्य देखें। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।